अस्सलामुअलैकुम। तो हम लोग निकले अभी थोड़ा सा घर का सामान लेने के लिए, तो साथ ही साथ मैं बोली चलो मेरे को थोड़ा एक चीज़ लेने का था, मेरे लिए बहुत दिनों से मेरे पास नहीं थी, तो मैं बोली पहले वो ले लेते जाके, क्योंकि बाद में जब राशन ले लूँगी मैं थोड़ा सा तो फिर वजन हो जाएगा मेरे साथ में, तो फिर मैं जा नहीं सकती बाद में। तो टूटे वाली है पिनो, टूटे वाली। अगर हम लोग पठानवाड़ी में, एट दी एंड पठानवाड़ी ही आना पड़ता मुझे, क्योंकि मेरे को वो जो चीज़ मुझे चाहिए वो यहीं पे मिलती, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे हैं। ऐसा है संतोष नगर में भी है, लेकिन वहाँ पर कैसा इतना देखी मैंने, लेकिन इतना खास नहीं था वहाँ पर बैग वगैरह, तो मैं बोली चलो इधर से ही ले लेती हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह मार्केट, अब यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से शुरू हो गया मार्केट और पूरा अंदर तक रहता है, पूरा गली के अंदर भी। गुड़ भी है जी, गुड़ भी है, सब चीज़ मिलेगी आप लोगों को यहाँ पर। मार्केट शुरू, बापरे बापरे बराबर चलने नहीं हो रहा मेरे को, ऑप्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये कितने का भैया? बड़े नहीं लूँगा, यही वाला लूँगा, मेरे को यही चाहिए। आदमी लोग को नहीं लाने का कभी भी साथ में, कोई लेडीज को लेकर आ रही है, वो इंसान बताता है कैसा है क्या है, बोलिए तुम लोग को बताते ही नहीं। मालूम है कुछ नहीं, दो ही चैन है अंदर, एक छोटी चैन है पीछे आएगा ना, अंदर है ना छोटी चैन पीछे आएगा, अरे पीछे और ये सामने छोटा पैकेट पहले दो भाई, मेरे को बहुत करना भी है ये क्या मेरे पास है ना भैया, अलग चाहिए पर इसमें से सामने भी एक चैन है चिल्लर पैसे वगैरह रखने के लिए, तो इसके लिए मैं ये ले, कुछ कम नहीं क्या कुछ रहेगा तो। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रात हो गई है और मैं जो है यहाँ पर रोटी बनाना स्टार्ट कर दी थी, ट्राईपॉड में जो है अपना फ़ोन मैंने लगा ली हूँ और रोटी जो है बनाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर वीडियो को बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्राईपॉड में कैमरा लगा के छोड़ दी थी, और क्या बोलते हैं ना ये व्लॉग जो है काफ़ी 2-3 दिन पहले का है आप लोग जो देख रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली कोई व्लॉग शूट नहीं की थी, ये व्लॉग 2-3 दिन पहले का है जो कि पेंडिंग था, जिसको मैं एडिटिंग करके आप लोगों को दे रही हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर किए और हमारे एक भाभी भी है वो भी वेट करते रहते हैं व्लॉग का, वो हमेशा मुझे पूछते रहते भाभी आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, तो इंतज़ार करते रहते, इसलिए जो है मैं फटाक से मैंने सोची कि चलो उनके लिए व्लॉग अपलोड किया जाए, वैसे भी पेंडिंग था। और इंशाल्लाह अभी से आप लोगों को रेगुलर व्लॉग्स मिलेंगे, जो भी रहेगा रूटीन वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर बहुत लोग मेरी रोटी को पूछते कि आप कैसे बनाते हो, मैंने बताया कि आप लोग है ना गौरान गेहूँ का आटा पिसाएंगे ना, गेहूँ को पिसाएंगे सॉरी, तो आपकी रोटी वैसी आएगी जैसे मैं बनाती हूँ, और थोड़ा प्रोसेस जो है जैसे मैं बना रही हूँ वैसे उस प्रोसेस से आप बनाएंगे तो और भी ज़्यादा नरम और अच्छी रोटी आएंगी आप लोगों की। तो यहाँ पर जो है ना सारी रोटियाँ आटे के जो है गोले मैंने जैसे पेड़े बोलते हैं ना वो बना के रख ली थी, और फटाफट अब मैंने रोटी बनाने के बाद फिर कैमरा ऑन की, क्योंकि रोटी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इतना ज़्यादा टाइम तक मैं कैमरा चालू नहीं रख सकती थी, और फिर लास्ट वाली जो मेरी रोटी बची थी उसके बाद मैं खोपरा खींचने लगी थी, क्योंकि मैं बना रही हूँ चिकन का सालन, तो जिसके लिए मैं जो है आज सूखा खोपरा यूज़ करूँगी,
मैं हमेशा गीला खोपरा यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी जो है मैंने सोची कि सूखा खोपरा डालते हैं, क्योंकि गांव में तो सूखा खोपरा यूज़ होता है। बाकी रोटी मेरी हो गई माशाल्लाह, तो चलिए अब खोपरे को जो है ना भून लेते हैं हम लोग फटाफट। तो मैं थोड़ा और खींचने लगी क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये कम है, तो मैंने क्या किया और थोड़ा खींची, इतने में इनको लग गई प्यास। तो ये सोच रहे थे कि मैं कैमरे के सामने आऊँ या नहीं आऊँ, तो मैंने बोली आके पानी ले लो ना, उसमें क्या दिक्कत है, मैं वॉइस ओवर ही करने वाली हूँ उसमें। फिर आए वो पानी लेके चले गए, और यहाँ पर मैंने तवे पर खोपरा डाल दी और खोपरे को जो है अच्छे से भून ली थी मैं, बिना तेल के ही भून रही हूँ। आप लोग चाहे तो थोड़ा सा तेल डाल के भी भून सकते हैं इसमें, लेकिन तेल खोपरे का भी जो है खुद का एक तेल निकलता है सेपरेट ऑयल, तो वो छूटता है, तो आपको तेल डालने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। खोपरा भून के हो चुका, उसके बाद मैंने क्या कि कांदा इसमें डाल दी। यहाँ पर एक बड़ा कांदा ले ली थी मैंने, कांदा जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत महंगा हो गया, और मिक्सर के जार में मैंने ना जो 4-5 लहसुन की कलियाँ डाल दी। इसके बाद जो है मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी तवे के ऊपर कटिंग करे वाली, और उसमें थोड़ा सा तेल डाली ताकि वो अच्छे से भून जाए, और गैस का फ्लेम फास्ट रख के ही मैं भून रही हूँ। उसके बाद मैंने मिक्सर के जार में थोड़े खड़े मसाले ऐड कर दिए, जैसे कि काली मिर्ची, लौंग, इलायची, दालचीनी, 4 ही चीज़ें डाली हूँ। इसके बाद टमाटर जो है मैंने कट करके रखी थी, टमाटर भी आप लोगों को पता है बहुत महंगा हो चुका है, तो टमाटर भी मैं तवे पर भून रही हूँ। ये सारी चीज़ों को भून के जो है ना मैं निकालूंगी, तब तक जो है मैं जार में खोपरा पीस लेती हूँ फटाफट, क्योंकि खोपरा जो है हमारा पहले मेन है, उसको पहले पीस के निकालेंगे, उसके बाद हम मसाले पीसेंगे, क्योंकि टमाटर वो सब चीज़ें तो जल्दी पीस जाती है, लेकिन खोपरे को जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर खोपरा भी मैं पीस रही थी मिक्सर में जार लगा के, और खोपरे को थोड़ा टाइम लगता है इस वजह से, क्योंकि वो थोड़ा सा मोटा मोटा होता है, और उसमें जैसे आप कितना पानी अगर ज़्यादा डालोगे तो बराबर से पीसा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद जो है मैंने वो टमाटर, कांदा, वो सब जो भी था वो भी इसमें ऐड कर दिया, और ये सारी चीज़ों को मैं जो है पीस कर निकाल लूँगी। इसके बाद हम सालन बघारेंगे। चिकन को जो है मैंने अदरक, लहसुन, नमक, हल्दी ये डाल के और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के उबाल ली हूँ अच्छे से धो के। इसके बाद कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दी तेल, तेल ज़्यादा नहीं डाली मैंने, 3 डोंगे डाली तेल, और आप अपने हिसाब से डालिए सालन के हिसाब से आप कितना सालन बना रहे हो। इसके बाद जो है कटोरे में जो है सब मसाला मिक्स करा हुआ था, तो मेरे को लग रहा था प्लेट में थोड़ा मसाला ज़्यादा हो गया, तो मैंने क्या की थोड़ा सा मसाला जो है निकाल ली। इसके बाद तेल गर्म हो गया, तेल के अंदर मैंने डाली घर की कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद जो है जैसे कि आप लोगों को पता है मैं 2 मिर्चें यूज़ करती हूँ, जिसको पीली मिर्ची बोलते हैं, लेकिन उसका कलर जो है लाल आता है। इसके बाद मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाली, और उसके बाद इसके अंदर जो मसाला हमने पीस के रखे थे ना वो मसाला डाल दी, अच्छे से इसको हिला ली मिक्सर की जार, और प्लेट को अच्छे से धो के डालूंगी क्योंकि मैं मसाले को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती। इसके बाद जो है मैं इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा पकने के लिए छोड़ दूँगी, पकने के लिए छोड़ते तब तक मैं किचन साफ़ करने लगी हूँ, और किचन साफ़ करते करते कभी ऐसा होता नहीं कि मुझे चटका नहीं लगता है टोका, हमेशा मुझे चटका लग ही जाता है, कभी कभी नॉर्मल लगता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लग जाता है चटका, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये जो है काम ही अपना। और मेरे को पता नहीं ये क्यों आदत है कि गैस साफ़ करते करते मुझे आदत ही गैस साफ़ करने की पकाते पकाते। इसके बाद जो है यहाँ पर मैं सैलड कट कर रही थी, जैसे कि गाजर और खीरा, खाने के साथ मैं इसको ले रही हूँ अभी, क्योंकि मेरा वज़न जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी अपने वज़न के ऊपर। जो भी आ रहा था वो खाई जा रही थी, जो आ रहा था वो खा रही थी, ग्रीन टी नहीं पी रही थी, चाय पीने लगी थी कुछ दिनों से, और इस वजह से मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैंने यहाँ पर दही भी डाल दी इसमें, आप लोगों को लग रहा होगा मैंने बहुत थोड़ा दही डाली, लेकिन मैंने पहले भी डाली थी दही शायद, और वापस से डाल रही हूँ इसमें एक बार, अभी शायद वो सीन कट हो गया या फिर मैंने ऐड नहीं करी, शायद ऐसा कुछ हो गया रहेगा। इसके बाद जो है मैंने ककड़ी को कट कर रही हूँ, सलाद को, और क्या बोलते हैं, चिकन तो हमारा ऑलमोस्ट गला हुआ है, बस हमें को मसाले को पकाना है अच्छे से। और आप लोगों को बैलकनी का व्यू कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि सारे जो भी झाड़ थे ना मैंने वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए, तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत मिस कर रहे होंगे मेरे ब्लॉग्स को, कुछ लोग नहीं भी कर रहे होंगे, लेकिन जो भी लोग कर रहे हैं उनके लिए मैं आज ये ब्लॉग डाल रही हूँ। तो मसाले का जो पानी था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी, और बाकी का पूरा चिकन मैंने इसमें ऐड कर दी। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और बहुत ही झटपट इजी बन जाती है, ट्राई ज़रूर करना इस रेसिपी को। सालन कैसा लगा आप कमेंट करके बताना, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापस।